हेलो गाइस, मैं गुप्ता गंगाधर, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक पे वीडियो को लेकर आए। तो फिर भी हम बता देते हैं, सबसे पहले आप हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र और मिर्जोला। आप जहाँ पे भी ओपन करना चाहते हैं, आप सी एस सी आई डी को आप सबसे पहले आप ओपन कर लें। ठीक है, ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आप पेन यहाँ पर सर्च करें पैन कार्ड, और पैन कार्ड का जो भी है ऑफिशियल साइट उस पर आप आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलता ही होगा। ये पहले हम बंद कर देते हैं कि ना ना ऑफ एप्लीकेशन एयर पेंडिंग, कि आपका कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारा एक एप्लीकेशन पेंडिंग में है। जैसे अगर हम किसी टाइम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, एंट्री करने के समय में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ कोई काम हमें पड़ गया, तो हमें उतना ही पे हम छोड़ देते थे और हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते थे। तो जिसके कारण हमें कुछ देर बाद अगर हम वहाँ पे जाते तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे हम आते थे अप्लाई नो में, यहाँ पे पेंडिंग पे हम क्लिक करते थे, पेंडिंग पेन एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे जो भी हमारा फॉर्म पेंडिंग में रहता था वो शो करता था यहाँ पे, लेकिन हमारा देखिए अभी शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग को हम लाइव दिखाएंगे कि हमें कहाँ से हमें मिल जाएगा जो भी हमारा पैसा कटा है, वो हमें उसका कोई कुछ नहीं होने वाला, जो भी पैसा कटा है हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। नन ऑफ योर एप्लीकेशन योर फेल्डिंग, यानी कि हम बताया जा रहा है कि नहीं है फेल्डिंग में आपका, तो और हमें पता है कि फेल्डिंग में है, तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे और कहाँ से हम फिर उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पेन ऑब्जेक्शन में। ठीक है, हमारा थोड़ा इंग्लिश हैवी है, तो आप लोग हमारा इंग्लिश पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हमारा जो माउस के एरो है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा पेन ऑब्जेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन, और दूसरा में है अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक कीजिएगा, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका यहाँ नहीं शो कर रहा है, सेम वही प्रोसेस है, नो कैश योर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको हड़ बनाने की कोई बात नहीं है, पेन ऑब्जेक्शन में आना है। अगर आपका सबसे पहले अगर आपका जो भी पेन कार्ड है वो फॉर्म अगर पेंडिंग में है तो उस पर यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा अभी हम एक था मेरा, तो उसे हम पहले प्रैक्टिकली कर लिए, उसके बाद आप लोग के साथ हम ये वीडियो को लेकर आए। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वो जो भी पेंडिंग में रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आप उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो आप जिस तरह से आप फिल किए थे उसी तरह से फिल हुआ रहेगा, लेकिन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही जाना पड़ेगा, और फिर से यानी भरना नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट आप कर दीजिएगा, पूरा फिल रहेगा फॉर्म, आपको केवल नेक्स्ट करना है, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस इस पर कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स का शो करने लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका फिर यहाँ पे अगर शो नहीं कर रहा है, तो फिर से आप पेन ऑब्जेक्शन में आए और अपलोड टू क्लियर अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे वही हो शो कर जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देखिए, अभी मेरा शो किया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते कितना केवी में क्या ये अपलोड करना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि फ़ोटो कितना केवी में अपलोड करना है, ब्लैक एंड वाइट में करना है या कलर में करना है। काफ़ी लोगों का इसमें परेशानी होता है, तो हम ये पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए एक पर्सनल वीडियो हम लेके आऊँगा, तो इसमें आप लोग को बारीकी से पूरा अच्छे से समझाऊँगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फेल्डिंग में फॉर्म रहता है और यहाँ पर शो नहीं करता है हमारा अप्लाई न्यू पेन में, तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए हमने पूरा इस वीडियो में हमने बता दिया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।